मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बजते ही सारी पार्टियों की चुनावी रैलियां जोरों शोरों से चल रही हैं। और इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज एमपी दौरा था और उन्हें रीवा की 4 विधानसभाओं और 3 रोड शो को संबोधित करना था, लेकिन त्योथर में सिद्धार्थ तिवारी के समर्थन में विशाल सभा को संबोधित करने के बाद उन्हें चुनरी गांव और सिरमौर विधानसभा के जावा और सिरमौर कस्बे में रोड शो करना था, लेकिन सिरमौर पहुंचने से पहले ही यहां खाली कुर्सियां देखने को मिली और जहां उन्हें सिरमौर में 12:30 बजे रोड शो करना था और जनता को संबोधित करना था, लेकिन यहां अभी तक न उनका काफिला पहुंचा और न ही जेपी नड्डा जी। फिलहाल तो यहां खाली कुर्सियों का नज़ारा देखने को मिल रहा है और 2 घंटे से भी अधिक देरी होने के बावजूद लोगों में हताशा देखने को मिल रही है और लोग कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही कार्यक्रम से वापस जा रहे हैं। और अनुमान तो ये भी लगाया जा रहा है कि शायद अब जेपी नड्डा जी का सिरमौर दौरा रद्द करना पड़ेगा। आखिर इसकी क्या वजह है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।